Welcome to Gyan Jyoti online classes. I am Venti Vishwal, your class teacher. Now we start our GK. क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम लोग आज GK पढ़ेंगे. GK में क्या पढ़ेंगे? Birds and insects. क्या पढ़ेंगे? Birds and insects. बच्चों, birds बोलने से क्या है? Birds क्या है? Birds बोलने से पक्षी. क्या है? Birds बोलने से पक्षी. और क्या करता है? पक्षी क्या करता है? उड़ता है ना? कोई पक्षी उड़ते हैं और कोई नहीं भी उड़ते हैं, है ना? इंसेक्ट क्या है बच्चे? इंसेक्ट है आपके छोटे छोटे कीड़े. क्या? छोटे छोटे कीड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसेक्ट. और बार्ड्स किसको बोलते हैं? जो होता है पक्षी को बार्ड बोलते हैं. हाँ, कुछ पक्षी नहीं भी उड़ते हैं और इंसेक्ट हम लोग छोटे छोटे कीड़े को बोलते हैं, है ना? तो आज हम पढ़ेंगे बार्ड्स एंड इंसेक्ट. समझ में आ गया? बार्ड्स किसको बोलते हैं? बार्ड्स है हमारा पक्षी. क्या है? बार्ड्स है पक्षी. बार्ड्स बोलने से हमारा पक्षी को बोला जाता है और इंसेक्ट बोलने से छोटे छोटे कीड़े को बोला जाता है. देखो आपका पिक्चर प्लस बुक का पेज नंबर 28 और 29. क्या है बच्चों? पेज नंबर 28 और 29 में आपका बार्ड्स और इंसेक्ट का पिक्चर दिया गया है. उसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा बार्ड्स है और कौन सा इंसेक्ट है ना? देखो इसमें मिला के दिया गया है, बार्ड्स और इंसेक्ट मिला के दोनों पेज में है. हम लोग क्या करेंगे? इसमें से कौन सा बार्ड्स है और कौन सा इंसेक्ट है उसको फाइंड आउट करेंगे, पहचानेंगे. हुआ? देखो यहाँ पे क्या है? क्रो. क्रो है. क्रो क्या है बच्चों? क्रो क्या है? क्रो है आपका बार्ड्स. क्या है? क्रो है बार्ड्स. क्रो कैसा रहता है? ब्लैक कलर का होता है. क्रो कैसा कलर का होता है? क्रो ब्लैक कलर का होता है. ये है आपका बार्ड्स. क्रो क्या है? क्रो है बार्ड्स. क्रो कैसा कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है, है ना? वो क्रो कैसा करता है? का करता है. कैसे करता है? का करता है. आओ आओ. ये क्या है बच्चों? आओ. ये क्या है आपका? ये भी बार्ड्स है. क्या है? आउल क्या है? बार्ड्स है. और आउल कब निकलता है? रात को निकलता है. दिन में वो नहीं निकलता है. वो कैसा होता है? वो व्हाइट कलर का होता है. उसका बड़ा बड़ा आँख होता है, है ना? आउल का बड़ा बड़ा आँख होता है, है? और वो रात को दिखाई देता है, दिन में नहीं निकलता है. तो बच्चों यहाँ पे क्रो आउल का क्या है? बार्ड्स है. फिर देखो यहाँ पे बार्ड्स कौन है? पीकॉक. कौन है बार्ड्स? कौन है बच्चों? पीकॉक. पीकॉक क्या है? पीकॉक आपका, पीकॉक क्या है बच्चों? पीकॉक है आपका बहुत सुंदर पक्षी, है ना? एक बहुत सुंदर पक्षी है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मयूर बोलते हैं, है ना? तो ये बहुत सुंदर दिखता है ना? ये नाच भी करता है, डांस भी करता है ना? इसको हम हमारा नेशनल बार्ड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ये है हमारा जातीय पक्षी, है ना? इसको हम लोग नेशनल बार्ड बोलते हैं. ये बहुत सुंदर ही दिखता है, है ना? तो देखो बच्चों ओस्ट्रिच. ओस्ट्रिच क्या है? ओस्ट्रिच भी आपका है बार्ड. क्या है? बार्ड. ये बहुत बड़ा पक्षी है, है ना? देखो फिर ईगल. ईगल भी आपका है बार्ड. ईगल क्या है? ईगल बार्ड है. और कॉक. कॉक यानी कॉक बोलने से क्या है? हैं, कॉक क्या है बच्चों? कॉक भी आपका बार्ड है. कॉक को हम लोग घर में रखते हैं. कहाँ रखते हैं? कॉक को हम लोग घर में रखते हैं. ये भी उड़ पाता है. और फिर देखो स्वान. स्वान बतख. क्या है? स्वान बतख. ये पानी में रहता है. कहाँ रहता है? पानी में रहता है. उसको हम लोग बार्ड बोलेंगे, है ना? फिर देखो हैन. हैन को भी हम लोग बार्ड बोलेंगे. किसको? हैन को भी बार्ड बोलेंगे. और हैन कहाँ रहता है? हमारा घर में रहता है. कहाँ रहता है? घर में रहता है. फिर देखो स्पेरो. स्पेरो बोलने से छोटा सा बार्ड है. कितना सा बार्ड है? एक छोटा सा बार्ड है. और ये भी हमारा घर में रहता है. कहाँ रहता है? घर में ऊपर में रहता है. घर के ऊपर में रहता है. वाह, ये छोटा सा सुंदर पक्षी है. वाह,
ताप पिजन, पिजन ये भी हमारा घर के जैसे ऊपर में रहता है, ये भी बहुत सुंदर दिखता है, ये व्हाइट और ब्लैक कलर का होता है ना। फिर देखो डॉग, डॉग डॉग देखे हो, ये घर में रहता है ना, ये भी है आपका क्या बाढ़। क्या है बच्चों? ये भी है आपका बाढ़। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग बाढ़ का नाम क्या क्या जाने हैं? देखो क्रो, आउल, पिकअप, कॉक, ईगल, स्वान, ओस्ट्रिच, डॉग, पिजन, स्पैरो है, बहुत सारा बर्ड्स का नाम हम लोग जान लिए। देखो अभी हम लोग इंसेक्ट्स के नाम जानेंगे। इंसेक्ट बोलने से छोटे छोटे कीड़े को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? इंसेक्ट बोलने से छोटे छोटे कीड़े को बोलते हैं, है ना। देखो ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई देखे हो ना, जो उड़ता है छोटा सा हो कि उसका पंख भी होता है, बहुत सुंदर दिखता है, हम लोग उसको पकड़ते हैं, ये आपका ड्रैगन फ्लाई। और फिर देखो ग्रासहॉपर, ये ग्रीन कलर का होता है, क्या होता है ग्रासहॉपर? क्या होता है? ग्रीन कलर का इतना बड़ा सा इंसेक्ट होता है ना। फिर देखो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई देखे हो बच्चे, बटरफ्लाई बहुत सुंदर दिखता है, कैसे दिखता है? बटरफ्लाई बहुत सुंदर दिखता है, यहाँ पे बैठा तो पकड़ने जाओगे वहाँ उड़ जाता है, वहाँ पर बैठेगा तो पकड़ने जाओगे वहाँ उड़ जाता है बच्चों, तो इसको हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं, बटरफ्लाई को हम लोग नहीं पकड़ पाते है। देखो कैटरपिलर क्या है? कैटरपिलर ये भी ग्रीन कलर का इंसेक्ट है। बेडबग, बेडबग को देखो बच्चों, ये भी आपका छोटा सा कीड़ा है। आंट, आंट देखो, मैं आंट देखे हो ना, वो घर में घूमता रहता है, इधर उधर घूमने रहता है, वो ब्लैक कलर का रेड कलर का होता है। आंट कौन सा कलर का होता है? ब्लैक और रेड कलर का होता है। फिर देखो स्पाइडर, स्पाइडर देखो ना, मकड़ी स्पाइडर है, वो बड़ा सा जाली बनाता है। स्पाइडर क्या करता है? बड़ा सा जाली बना लेता है अपने लिए, जब बड़ा सा जाली बना लेता है। स्नेल, स्नेल भी आपका है इंसेक्ट। लेडी बग, लेडी बग देखो बच्चे, वो रेड कलर का होता है, रेड ब्लैक मिला के वो होता है और बहुत सुंदर दिखता है ना, लेडी बग बहुत सुंदर दिखता है। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई देखो बच्चों, हाउस फ्लाई भी छोटा सा कीड़ा है, वो बहुत सुंदर दिखता है। तो बच्चों क्या जान लिए हम लोग? कुछ बर्ड्स और कुछ इंसेक्ट्स के बारे में हम लोग जान लिए, है ना। तो बच्चों यहाँ पे कौन बर्ड्स है और कौन इंसेक्ट्स है उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? बच्चों आपके लिए होमवर्क क्या है? जो बर्ड्स है आप लोग उसको टिक करोगे और जो इंसेक्ट्स है उसको आप लोग क्रॉस करोगे। समझ में आ गया? जो बर्ड वहां पे टिक करोगे और जो इंसेक्ट है उसको क्रॉस करोगे। बर्ड के ऊपर में आप लोग क्या करोगे? टिक करोगे यानी राइट दोगे और इंसेक्ट्स की जगह में आप लोग क्रॉस करोगे, है ना बच्चों। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे? स्पेलिंग के साथ कुछ बर्ड्स और कुछ इंसेक्ट्स के नाम लिखेंगे। क्या करेंगे? कुछ बर्ड्स और कुछ इंसेक्ट्स के नाम लिखेंगे। देखो पहले हम लोग लिखेंगे बर्ड्स। क्या लिखेंगे? बर्ड्स। आप लोग अपना जीके कॉपी में लिखना है, यहाँ पे बर्ड्स लिखना और ऐसे करके 5 बर्ड्स यानी 7 बर्ड्स का नाम लिखना। देखो बर्ड्स, बर्ड्स क्या है? देखो क्रो, क्रो क्या है बच्चों? बर्ड्स है। नंबर 2 में लिखेंगे आउल। नंबर 3 में लिखेंगे पैरट। नंबर 4 में लिखेंगे पिकअप। नंबर 5 में लिखेंगे बस। क्या है? बस
vowel vowel p a r r o t parrot p e a c o c k peacock h e n n d u c k dog क्या है ये है आपका वर्ड्स क्या है बच्चों ये है आपका वर्ड्स यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे इंसेक्ट्स क्या लिखेंगे इंसेक्ट्स क्या लिखेंगे बच्चों इंसेक्ट्स है इंसेक्ट्स का नाम ना लिखेंगे इंसेक्ट्स में क्या है बटरफ्लाई 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 देखे हो ना बटरफ्लाई बहुत सुंदर दिखता है कि नहीं Spider, S-T-I-E.
deer, spider, spider, ladybug, 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 honey, bee, honeybee, 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 housefly, 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 तो butterfly एक बहुत सुंदर insect है, इसको हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि ये उड़ता रहता है। आन, आन देखे हो बच्चे, आन हमारा घर में इधर उधर घूमता रहता है, और ये ब्लैक और रेड कलर का होता है ना? Spider, spider बोलने से क्या है पापड़ी? Spider कैसे करता है? Spider वो अपना बड़ा सा जाली बनाता है, क्या करता है? स्पाइडर बड़ा सा जाली बना लेता है। लेडीबग बहुत सुंदर दिखता है, ये क्वाली रेड और ब्लैक कलर का होता है, बहुत सुंदर सा छोटा सा कीड़ा है, क्या है? इंसेक्ट्स है। हनीबी, हनीबी क्या है बच्चों? जहाँ पे हम जहाँ से हम लोगों को हनी मिलता है वो है हनीबी। कहाँ से? हनीबी से है। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई देखे हो है, ये भी छोटा सा कीड़ा है, और ये घर में क्या है, घर में हमारा घूमता रहता है, हाउस फ्लाई देखे हो ना है। ये था हमारा बर्ड्स और इंसेक्ट्स का कुछ नाम, तो आज हमने क्या सीखे, कुछ बर्ड्स और कुछ इंसेक्ट जान लिए है ना। तो इसको क्या करना है बच्चों, अपना जीके कॉपी में स्पेलिंग के साथ बोल बोल के याद करके लिखना है, है ना बच्चों? देखो कुछ यहाँ पे तुम्हारा पेज नंबर 28 और 29 में बहुत सारे इंसेक्ट्स का नाम दिया गया है, बहुत सारा दिया गया है, हाँ? तुम लोग इसको पहचानोगे और जो बार्स है उसमें राइट मारोगे और जो इंसेक्ट्स है उसको तुम लोग क्रॉस करोगे, वाह।